गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए इक्वेशंस डिराइव किए। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग हमें यहाँ पर क्लियर हो गया है। देखिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्टाइल, ओके, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू बाय मेकिंग हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा, ओके, then it moves along this parabolic path that is known as trajectory along the curve path OBC and at point C that projectile lands on the same horizontal level. So yahan par distance OC, horizontal distance OC, that is range of projectile. Or during projectile motion the particle attained the maximum height. Dekhiye, at position P the particle is at maximum height from the horizontal level. This is known as height of projectile. Okay. Or the time taken by projectile to move from O, B, C along this trajectory, this is known as time of flight, capital T. Right? तो इनके लिए equations हमने obtain किए थे। तो देखिए, पहला equation कौन सा है यहाँ पर? Range of projectile. इसके लिए फॉर्मूला देखिए, R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय G। ये फॉर्मूला है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, ओ सी दैट इज R। उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, ग्राउंड लेवल, तो ये h, तो h के लिए फॉर्मूला क्या आता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये है ना फॉर्मूला। और टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट एंटायर ट्रैजेक्टरी, मतलब द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, राइट? नो, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम पोजीशन, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, एंड रिटर्न फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल दैट इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग, this is known as time of descent, time of ascent, time of descent, है ना? और दोनों टाइम सेम होते हैं, time of ascent is equal to time of descent, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? u sin theta divided by g, that is time of flight का half time होता है, capital T by 2। अब देखिए, horizontal range and maximum height of projectile during projectile motion, अब इनके बीच कुछ रिलेशंस होता है ना, तो इसके कुछ डिफरेंट केसेस है, वो केसेस हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, केस वन, इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये हम यहां पर निकालते हैं। वैसे ये डिस्कस हमने किए कंडीशन हॉरिजॉन्टल रेंज में, ओके, अब यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज और एच के बीच रिलेशन निकालना है। तो चलिए, पहले हम रेंज निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 इंटू, देखिए ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, थीटा का मतलब कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री डिवाइडेड बाय G, राइट? तो R इज इक्वल टू u square divided by g, ये आएगा। Let this is equation number one. Why? Because
साइन 2 × 45, देखिए साइन कितना होगा ये 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, एंड फॉर एनी एंगल, ओके साइन के किसी भी एंगल के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब यहां पर जो रेंज हमें मिलेगी दैट रेंज इज मैक्सिमम। सो ये मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला u² / g, मतलब ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री से अगर थ्रो कर दे विद हॉरिजॉन्टल, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, सो दैट इज नोन एज मैक्सिमम रेंज। सो मैक्सिमम रेंज के लिए ये फॉर्मूला था u² / g। अब यहां पर देखिए डायग्राम, इस ऑब्जेक्ट को हमने 45 डिग्री से लॉन्च किया है, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, सो दिस रेंज इज नोन एज आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज। ओके तो ड्यूरिंग मैक्सिमम रेंज यहां पर कुछ हाइट अटेंड की होगी प्रोजेक्टाइल ने, ओके दैट हाइट इज एच, तो एच और आर मैक्स के बीच रिलेशन क्या होगा ये हम यहां पर निकालते हैं। तो हाइट के लिए पहले फॉर्मूला देखिए, एच इज इक्वल टू u² sin² θ डिवाइडेड बाय 2g, ये फॉर्मूला हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 45 डिग्री, है ना, तो पहले देखिए साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये हमें पता है ना टेबल वैल्यू, ओके तो h इज इक्वल टू u² (sin² 45° डिवाइडेड बाय 2g, सो h इज इक्वल टू u² / 2g, ओके अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर है ना यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर, सो दिस इज u² / 2g, ओके 1 का स्क्वायर आएगा 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, सो दिस इज 1/4 u² / g, देखिए 2 × 2 = 4 u² / g, राइट, तो h इज इक्वल टू 1/4 u² / g, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा u होगा, और उसको 45 डिग्री एंगल से अगर थ्रो करते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, तब उसकी हाइट h कितनी होगी 1/4 u² / g। अब इस h और r max के बीच रिलेशन क्या होगा, तो ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए u² / g की वैल्यू कितनी r max, है ना, अब इक्वेशन 2 में देखिए u² / g, इसका मीनिंग हम r max यहां पर लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा यहां पर h इज इक्वल टू 1/4 इनटू u² / g के जगह पर हम क्या लिखेंगे r max, r max, ओके देयरफॉर r max इज इक्वल टू, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, इज इक्वल टू 4h, राइट स्टूडेंट, तो ये यहां पर रिलेशन होगा r max और मैक्सिमम हाइट। ओके देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u के साथ थ्रो करते लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा यहां पर 45 डिग्री, तब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, दैट इज नोन एज r max, मैक्सिमम रेंज, तब यहां पर कुछ हाइट होगी ना, तो इस हाइट और r max के बीच हमेशा रिलेशन क्या होता है दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन when it is projected at an angle 45 degree, तो r max is equal to 4h। अब सपोज यहाँ पर r max की वैल्यू है 100 meter, एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 100 meter, तो इस दौरान मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितनी अटेंड की होगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला ना, सो h इज इक्वल टू 1/4 × r max, मतलब 100 / 4 कितना होगा यहाँ पर 25 meter, राइट, अब सपोज हॉरिजॉन्टल रेंज यहां पर है 200, तो हाइट कितनी होगी उसका 1/4 निकाले 50 meter, अगर हाइट यहां पर दिए 20 meter, ओके और ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्री, तब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी
हाइट कितनी है 20 मीटर, तो आर मैक्स कितना होगा उसका 4 टाइम्स, मतलब 28 × 4 80 मीटर। समझ में आ रहा आपको? ओके, तो ये कंडीशन हो गई। ओके, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आपको दिया है कि एक ऑब्जेक्ट 45 डिग्री से लॉन्च किया है, ओके, बाय मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसमें मैक्सिमम रेंज अगर यहां पर है 400 मीटर, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की होगी, तो दैट इज आंसर कितना होगा उसका 100 मीटर, 1/4 ऑफ द आर मैक्स, है ना। तो ये रिलेशन यहां पर आर मैक्स इज इक्वल टू 4h या फिर h इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स आर मैक्स। राइट फ्रेंड, तो आर मैक्स अगर किसी न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में सिर्फ आर मैक्स दिया होता है, 45 डिग्री एंगल नहीं देते हैं, ओके, अब उस टाइप के न्यूमेरिकल में हमें समझ लेना चाहिए कि आर मैक्स मतलब वहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, 100% 45 डिग्री। राइट फ्रेंड, तो ये कंडीशन होगी यहां पर। नो केस टू, केस टू देखिए, इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब 90 डिग्री देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां पर प्रोजेक्टेड, इसको 90 डिग्री से हमने प्रोजेक्ट अप किया, ये हो गया 90 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, है ना। सपोज यहां पर प्रोजेक्टेड है एट द ओरिजिन, ठीक है, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है बाय मेकिंग एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी यू, ओके, तो ये कुछ हाइट यहां पर अटेंड करता है, यहां पर कुछ हाइट अटेंड करेगा और फिर से वही जगह पर आकर ये गिरेगा, ओके, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं यहां पर पहले रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लगते हैं, ओके, तो u स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट 2 इनटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय g, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट 180 डिग्री हो जाएगा ये, डिवाइड बाय g, बिकॉज 90 इनटू 2 180, और हमें पता है साइन 180, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना, इसलिए R is equal to क्या रहेगा, 0, मतलब horizontal displacement नहीं होगा इसका। अगर हम projectile को vertically upward move करते हैं, तो वहीं पर आकर वो गिरेगा ना, मतलब horizontal range कितनी रहेगी, 0 रहेगी, लेकिन height इस condition में maximum होगी, okay, तो that maximum height of projectile is given by, तो h max होगा यहाँ पर, ठीक है, h max is equal to, formula देखिए, ये formula height of projectile, u square sine square theta divided by 2g, u square sine square 90 degree, okay, divided by 2g, now h max is equal to u square by 2g, ये फॉर्मूला, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 square is 1, तो u square by 2g, ये फॉर्मूला यहां पर बनता है, ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। देखिए अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट अप करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो रेंज तो 0 रहेगी, लेकिन उस कंडीशन में वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, राइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g,
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यश मैक्स इज इक्वल टू 1/2 इनटू यू स्क्वायर बाय जी, राइट? नाउ देयरफॉर यश मैक्स इज इक्वल टू अब हाफ इनटू यू स्क्वायर बाय जी. अब यू स्क्वायर बाय जी का मतलब क्या होगा? आर मैक्स. नाउ दिस इज रिलेशन बिटवीन यश मैक्स एंड आर मैक्स. ओके, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आर तो यहां पर जीरो है, लेकिन सुनिए, अगर एक न्यूमेरिकल ऐसा दिया है आपको कि एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, अगर उसको हम 45 डिग्री से थ्रो करते हैं तो उसकी रेंज क्या रहेगी? मैक्सिमम. ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब उसी न्यूमेरिकल में सेकंड पार्ट क्या होगा? अगर उसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ अगर उसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा? देखिए, दोनों कंडीशन में हमने कॉमन फैक्टर क्या रखा है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है. सपोज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर u मतलब 10 मीटर पर सेकंड है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45 डिग्री. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? हॉरिजॉन्टल, r मैक्स होगा. ठीक है, अब यही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई करेंगे, मतलब प्रोजेक्टेड वही प्रोजेक्टेड है. ओके, नाउ इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, लेकिन यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री के बजाय 90 डिग्री है. ओके, रेंज तो ऑफ कोर्स जीरो रहेगी, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है. तो कंडीशन समझ में आ गए? दोनों कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, प्रोजेक्टाइल भी सेम है. पहले उसको 45 डिग्री से लॉन्च किया है तो आर मैक्स मिलेगा, अब उसको 90 डिग्री से हम प्रोजेक्ट अप कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट मिलेगी. तो इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट और इस कंडीशन में आर मैक्स, अब इनके बीच रिलेशन क्या होगा? इनके बीच रिलेशन होगा एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ आर मैक्स. देखिए, सपोज यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोजेक्टर है, उसको 45 डिग्री से हम पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी रेंज आ जाती है 200 मीटर. रेंज कितनी आएगी? 200 मीटर, मतलब आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? 200 मीटर. अब वही प्रोजेक्टाइल उसी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट अप करना है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड बाय मेकिंग एंगल 90 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा वो? तो हम यहां से निकाल सकते हैं, तो एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्स, तो 200 बाय 2 मतलब 100 मीटर. क्लियर? मतलब एक प्रोजेक्टर है पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, उसको अगर हम 45 डिग्री से लॉन्च करते, अगर इस कंडीशन में उसने मैक्सिमम रेंज 200 मीटर कवर कर ली, ओके, अब उसी वेलोसिटी के साथ लेकिन उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना है, तो ये कितना हाइट मैक्सिमम पहुंच सकता है? 100 मीटर. ये है रिलेशन यहां पर, यश मैक्स इज इक्वल टू हाफ आर मैक्स. ओके, अब ये रिलेशन देखिए यहां पर क्या कहता है, यश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स आर मैक्स. ओके, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैक्सिमम रेंज होगी, तो इस दौरान ये जो हाइट है, इस हाइट और आर मैक्स के बीच ये रिलेशन है. ओके, और यश मैक्स और आर मैक्स मतलब आर मैक्स कब मिलेगा हमें? 45 डिग्री से अगर उसको थ्रो करते हैं. यश मैक्स कब मिलेगा? एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, दैट मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा इस कंडीशन में? 90 डिग्री. राइट स्टूडेंट, तो ये दो कंडीशन से आपको डिस्कस होते हैं इस तरह से. नाउ स्टूडेंट्स, अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें हाइट दी है यच और हॉरिजॉन्टल रेंज दी है, ओके, आर की वैल्यू दी है और यच की वैल्यू दी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज दी है और हाइट भी दी है यहां पर, उसके आधार पर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है. तो वहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4h डिवाइडेड बाय r, ये फॉर्मूला होता है. ओके, लेट दिस इज केस नंबर 3. तो ये पॉइंट हमें अभी डिस्कस करना है. देखिए, न्यूमेरिकल में अगर आपको हाइट दिए, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, और उसके हॉरिजॉन्टल रेंज दिए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला कैसे तैयार होता है? देखिए,
हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला ये देखिए, यहां पर h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये फॉर्मूला ना इक्वेशन नंबर वन सपोज। और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ओके, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, h और r मतलब हाइट एंड रेंज के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है। नो डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर h डिवाइडेड बाय r, तो h की वैल्यू यहां पर क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या होगा, g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओके, देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल रहेगा ना, राइट right. तो यहां पर जे जे कैंसल, यू स्क्वायर भी कैंसल, तो h अपॉन r इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा इनटू साइन थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं यहां पर, डिवाइडेड बाय दिस टू इनटू, अब देखिए साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, जब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर्टिकल देख रहे थे तो वहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यूज किया था, बराबर है, साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर एक साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो h बाय r इज इक्वल टू देखिए वन बाय फोर, टू इंटू टू फोर, ओके, साइन थीटा और ये बचा था कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, राइट, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू 4 इनटू h, दैट इज 4h डिवाइडेड बाय r, तो थीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, टैन इनवर्स ऑफ 4h बाय r, राइट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो ये फॉर्मूला यहां पर प्रूव हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू tan inverse of 4h by r। तो किसी न्यूमेरिकल में या फिर एमसीक्यू में हमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दिए, तो वहां पर इस फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर केस 4, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज ए प्रोजेक्टाइल यहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है, इसको हम थ्रो करते हैं विद एंगल थीटा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, और उसके लिए रेंज होगी यहां पर r, सो दिस इज द रेंज। अब रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, इक्वेशन नंबर 1, ये फॉर्मूला यहां पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब हमें पता है कि सपोज पहला एंगल यहां पर हमने लिया थीटा, तो यही रेंज और कौन से एंगल की रहेगी, दैट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, बराबर है, दैट इज 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए भी इतनी रेंज रहेगी। देखिए सपोज यहां पर थीटा की वैल्यू हमने 20 डिग्री ली है, ओके, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 20 दैट इज 70, ओके, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर 70 डिग्री से प्रोजेक्ट अप करते हैं तो उसके लिए भी रेंज उतनी रहेगी, तो ये एंगल कितना होगा यहां पर, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके, समझ में आ रहा आपको। देखिए हमने एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है कि थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा, इन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। सपोज हमने प्रोजेक्ट किया है विद एंगल थीटा,
सपोज ये यहां पर आके गिरता है तो रेंज कितनी रहेगी आर। ओके अगर पाई बाय टू माइनस थीटा एंगल से अगर उसी प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और उसी वेलोसिटी के साथ अगर हम प्रोजेक्ट अप करते हैं तो ये सेम जगह पर आके गिरता है, मतलब थीटा एंगल के लिए एंड पाई बाय टू माइनस थीटा एंगल के लिए दोनों के लिए रेंज सेम रहती है। ओके देखिए फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इसके लिए यहां पर ये मैक्सिमम हाइट होगी, लेट दिस इज एच वन। ओके और दूसरा एंगल के लिए पाई बाय टू माइनस थीटा के लिए लेट प्रोजेक्टाइल की हाइट है यहां पर एच टू, तो ये हाइट कितनी होगी एच टू होगी। अब यहां पर हमें क्या करना है देखिए कि एच वन एच टू ओके ये तो हाइट मिल गई और दोनों के लिए रेंज तो सेम है ना दोनों कंडीशन के लिए, तो हमें एच वन एच टू और रेंज आर के बीच रिलेशन ऑब्टेन करना है राइट। तो यहां पर रिलेशन क्या होता है देखिए आर इज इक्वल टू फोर रूट एच वन एच टू, ये रिलेशन होता है। ओके देखिए किसी न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में अगर हमें ये दिया है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल की हाइट डिफरेंट रहेगी ना, तो एच वन और एच टू ऐसे दो हाइट दिए हैं तो उनकी रेंज कितनी होगी ये निकालो। तो इस कंडीशन में हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं R इज इक्वल टू फोर टाइम्स रूट एच वन एच टू, है ना ठीक है। अगर यहां पर ऐसा दिया है कि एक एंगल से अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज R, उसकी वैल्यू दी है शायद ठीक है, और उसके लिए हाइट एच वन भी दी है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ अगर हम उसको प्रोजेक्ट अप करते हैं तो रेंज तो सेम रहेगी लेकिन उसकी हाइट क्या होगी अगर ये पूछा जाता है तो हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब उस कंडीशन में आर और एच वन गिवन है तो एच टू की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से हम, तो यहां पर ये रिलेशन हमें प्रूव करना है राइट स्टूडेंट। तो देखिए पहले हम एच वन के लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो एच वन इज इक्वल टू ओके अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, तो एच वन हाइट के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा वन है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। ओके ये फॉर्मूला यहां पर लेट दिस इक्वेशन नंबर टू। नाउ अब एच टू निकालना है वही फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है यहां पर थीटा की जगह पर कितना है पाई बाय टू माइनस थीटा, तो यहां पर लिखेंगे हम पाई बाय टू माइनस थीटा राइट होल डिवाइडेड बाय टू जी, लेकिन साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा ओके इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मींस साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन क्या होगा यहां पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, बिकॉज साइन पाई बाय टू माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिखेंगे और उसका स्क्वायर है इसलिए cos स्क्वायर थीटा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है ओके तो देख चलिए रूट h1 h2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर रूट h1 h2 ओके तो रूट देखिए h1 की वैल्यू रखते हैं पहले u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g into एच टू की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 3 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ओके अब रूट एच वन एच टू इज इक्वल टू अब यहां पर देखिए ओके अब देखिए यहां पर रूट साइन के अंदर यू स्क्वायर दो टाइम्स है तो एक यू स्क्वायर हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं ठीक है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए 2g into 2g तो एक 2g हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं राइट into अब स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा साइन थीटा ओके कॉस स्क्वायर थीटा है उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा कॉस थीटा राइट स्टूडेंट। तो देखिए अब यहां पर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इनटू साइन थीटा
ओके इनटू कॉस थीटा, ये टर्म आ जाती है, राइट। अब यहां पर एक एडजस्टमेंट हम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टू एंड डिवाइड बाय टू करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, बिकॉज टू टू अगेन कैंसिल हो सकता है, मतलब एक ही साइड पर, इक्वेशन के एक ही साइड पर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, हमने मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय टू, ठीक है। देखिए इक्वेशन यहां पर क्या तैयार होगा, रूट एच वन एच टू ओके इज इक्वल टू, अब यहां पर यू स्क्वेयर ओके अपॉन, देखिए टू इंटू टू कितना होगा फोर जी ओके इंटू, अब ये टू यहां पर बचे हैं तो इसको लिखेंगे हम टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। नो दिस इज इक्वल टू वन बाय फोर इंटू यू स्क्वेयर, अब देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे यहां पर साइन टू थीटा को हमने क्या लिखा है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको फिर से हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं ना, देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम साइन टू थीटा ओके डिवाइडेड बाय दिस जी, राइट। अब रूट एच वन एच टू इज इक्वल टू वन बाय फोर इंटू, अब देखिए ध्यान से u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g मतलब क्या होता है रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहां पर लिखते हैं हम r, देयरफॉर r इज इक्वल टू, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 4 रूट h1 h2, तो ये रिलेशन यहां पर हमें मिलता है, राइट फ्रेंड। तो देखिए डिफरेंट कंडीशंस हमने यहां पर डिस्कस कर ली, इसका मीनिंग क्लियर होता है आपको, अगर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है उसके लिए रेंज होगी r, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ अगर उसी स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वहीं पर आकर गिरता है, मतलब दोनों कंडीशन के लिए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी लेकिन हाइट डिफरेंट होगी ना, तो ये डिफरेंट हाइट और रेंज के बीच ये रिलेशन है यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स।